हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जहाँ पर भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्राउन हालो आई मेकअप ऑन हैंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही लिक्विड आईलाइनर और इससे मैं 4 डॉट अप्लाई करूँगी। थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के मैं यहाँ पर 4 डॉट अप्लाई कर रही हूँ और लास्ट वाले डॉट के ऊपर हम एंगुलर शेप में एक और डॉट अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट डॉट को हम ऊपर वाले डॉट के साथ मिलाएंगे और ऊपर वाले डॉट को हम लास्ट वाले डॉट के साथ मिलाकर आईब्रो का मेजरमेंट लेंगे और उसे अच्छी तरह से फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो डार्क ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आईब्रोज नेचुरल होते हैं, हम उसी तरह से इसको शेप देंगे और उसी तरह से हम इसे डार्क करेंगे। एंड से और फ्रंट से हम इसे लाइट रखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रोक खींचेंगे फ्रंट की तरफ से ताकि नेचुरल आईब्रो हमारे शो हो। इसी तरह से हम सेकंड आईब्रो भी क्रिएट करेंगे। कंसीलर की हेल्प से आईब्रो को एक शार्प लुक देंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आईब्रो कर लेंगे आईलो। सो अभी नोज़ बनाएंगे जिसके लिए मैं सेम आइवरी शेड यूज़ कर रही हूँ। सेंटर से मैंने एक स्ट्रोक खींची है और एंड्स पे हम 2 डॉट अप्लाई कर रहे हैं। एंड उस पर हम ब्लैक जेल आईलाइनर से एक और डॉट अप्लाई कर रहे हैं। एंड साइड से हम ब्राउन कलर अप्लाई करते हुए इसे शार्प लुक दे रहे हैं नोज़ को और अच्छे से कॉन्टोर कर रहे हैं। सो आईज़ को पॉप आउट करने के लिए मैं सेम आइवरी शेड यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर हमने आईज़ ड्रॉ करनी है उसी पर हम अप्लाई करेंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम आईज़ का मेजरमेंट लेंगे जिसके लिए मैं सेम लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और एंड से मेजरमेंट लेते हुए मैंने 2 डॉट्स अप्लाई की है। आईब्रो के एंड से और फ्रंट से थोड़ी जगह छोड़ कर हमने 2 डॉट अप्लाई करनी है। दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे आईज़ की शेप आपकी काफ़ी अच्छी आएगी। सो लाइट ब्राउन कलर से हम आईज़ को अच्छे से एक शेप दे देंगे और पूरी आईलिड पर हम इसे अप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह से हम सेकंड आई पे भी कलर अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे इसे अप्लाई करते हुए मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर एंड इसे आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करते हुए हम क्रीज लाइन तक लेके जाएंगे। सेम इसी तरह से हम सेकंड आई पे भी अप्लाई करेंगे। सो अभी लाइट ब्राउन कलर से ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट मैं डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ एजेस को ब्लेंड करने के लिए और एक सॉफ्ट लुक देने के लिए। सो आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को इन्हांस करने के लिए मैं सेम ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ और उसे मर्ज करेंगे हम लाइट ब्राउन कलर से। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लाइटेस्ट ब्राउन कलर और इसे मैं मिडल ऑफ द लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। मिडल ऑफ द लिड को पॉप आउट करने के लिए मैं शिमर आई शेडो यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मून डस्ट शेड एंड इसे हम मिडल ऑफ द आई पे अप्लाई करेंगे। जहाँ पर हमारा आईबॉल होता है सेम वहीं पे मैंने अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम लैक्मे और एक अच्छा सा आईलाइनर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर विंग्ड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो अप्लाई करते हैं आईलाइनर।
आईलाइनर के ठीक नीचे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर। ये मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि जब हम आईलैशेस अप्लाई करेंगे तो जो हमारी आईलैशेस होंगी वो थिक दिखेंगी। सो सेम लिक्विड आईलाइनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईलैशेस ड्रॉ करने के लिए। एक एक स्ट्रोक करके हम एंड से स्टार्ट करेंगे आईलैशेस ड्रॉ करना। सो जिगजैग मूवमेंट में हम आईलैशेस को ड्रॉ करेंगे और हम बैक से थोड़ी थिक रखेंगे आईलैशेस और फ्रंट से जाते जाते हम इसकी थिकनेस कम करते जाएंगे। जैसे कि हमारी नेचुरल आईलैशेस होती है, हमने कोशिश करनी है कि हमारी आईलैशेस वैसी ही ड्रॉ हो। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आईलैशेस ड्रॉ हो रही है हमारी और आईज की लुक भी कितनी अच्छी आ रही है। सेम इसी तरह से हम सेकंड आई पे भी आईलैशेस ड्रॉ करेंगे। सो लास्ट में हम ब्रोबोन और नोज़ को हाईलाइट करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।